अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगला कलार निवासी युवती की शादी बुलंदशहर के गांव के युवक से हुई थी। शादी के 10 महीने बाद युवती के पति ने युवती के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। युवती ने इसकी शिकायत महिला थाने में की, जिसके बाद महिला थाने में काउंसलिंग की तारीख थी, जिस पर पति पत्नी दोनों पहुंचे थे। काउंसलिंग के बाद युवती अपने भाई के साथ जा रही थी कि तभी पुलिस लाइन के गेट पर पति ने उसके साथ फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं घटना के बाद से ही पति मौके से फरार हो गया। तो तस्वीर आप भी देख सकते हैं अलीगढ़ की, जहां पति और पत्नी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। पति पत्नी ने पति को जमकर मारा। दरअसल बीते कई दिनों से इसी तरह से दोनों में विवाद चल रहा है और एक दूसरे के साथ दोनों इसी तरह से मारपीट करते हुए नजर आते हैं। बाराबंकी में रामनगर पुलिस की तरफ से दो अंतर जनपदीय शातिर मार्फिन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 940 ग्राम स्मैक, एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्कर जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा मुर्तजा से स्मैक लेकर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और नेपाल में भी सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बाराबंकी से तस्करी करने वाला एक अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो यहां से मार्फिन प्राप्त करके ले जाकर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर के रास्ते नेपाल तक सप्लाई करता था। इसमें कल सुरागरसी के आधार पर हमारी रामनगर पुलिस की टीम ने शमसाद और सलाउद्दीन नामक दो व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 940 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है। और इन दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया कि टिकरा मुर्तजा थाना जैतपुर के गाँव का रहने वाला अनंत और परवेज नाम के व्यक्ति हैं। बाराबंकी स्वाट टीम और थाना मसौली पुलिस की तरफ से राजेश वर्मा हत्याकांड में शामिल मृतक के बहनोई सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को राजेश की हत्या कर शाहपुर नहर पटरी के पास शव को फेंक दिया गया था। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए घटना स्थल का फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की तरफ से निरीक्षण किया गया और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। गठित पुलिस टीम की तरफ से साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना में शामिल सुशील कुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा और मृतक के बहनोई प्रदीप वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से हथौड़ी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और टूटा हेलमेट भी बरामद किया गया था। तो बाराबंकी का पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें बहनोई समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती के अपना दल के युवा मंच के जिलाध्यक्ष अभय पटेल के नेतृत्व में जिलाधिकारी बस्ती को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कोतवाली थाने में दर्ज अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों के साथ अपना दल के युवा मंच जिलाध्यक्ष बस्ती अभय पटेल की तरफ से जिलाधिकारी बस्ती को तत्काल कोतवाली थाना क्षेत्र में डमरू जमीनी विवाद को लेकर गोली कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और अभय पटेल ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। जमीनी विवाद का मामला था, एक भूमाफिया है सर्वेश यादव, उनका एक भतीजा है सर्वेश राहुल यादव, अपने दबंगई के माध्यम से अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लिए है, जिसका संरक्षण यहाँ के जिला अध्यक्ष भाजपा मैं शुक्ला जी दे रहे हैं, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश है कि भूमाफियाओं को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष मैं शुक्ला जी लगातार भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं।
बस्ती में बीजेपी नेत्री श्वेता सिंह के नेतृत्व में हरैया विधानसभा में युवा सम्मेलन किया गया, जिसमें युवाओं की तरफ से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर घर घर जाकर संपर्क किया गया। इसी के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध मुक्त है और इस बार बीजेपी सरकार में सड़कों का विकास तेजी से हुआ है। हरैया में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन था, युवा सम्मेलन। इसमें हरैया विधानसभा मेरे नेतृत्व में करीब लगभग 1500 युवा अपनी मोटरसाइकिलों के साथ हम सब लोग पूरा वहां पहुंचे कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री अनूप गुप्ता जी थे। और बढ़ चढ़ के बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज बस्ती में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता भी हैं, उनके अध्यक्षता में मैं यूथ आइकन बस्ती विनय कुमार मिश्रा ने डॉक्टर श्वेता जी की अध्यक्षता में एक बाइक रैली निकाली गई। बिजनौर के थाना नजीबाबाद से कुछ ही दूरी पर कान्हा होटल में शाहबाज नाम के व्यक्ति का शव होटल के कमरे में मिला था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। स्वाट और सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि शकील लंबू और उसका मृतक दोस्त शाहबाज दिल्ली में रहकर विदेश भेजने वालों के लिए वीजा बनवाने का काम करते थे। दोनों में एक दूसरे के काम के प्रति रंजिश बढ़ गई थी। मृतक अभियुक्त से लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, जिसके चलते अभियुक्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। बिजनौर जनपद के नजीबाबाद थाने के कान्हा होटल में कल दोपहर लगभग 1:30 बजे शाबाद नाम के एक व्यक्ति के रूम नंबर 105 में मरे होने की सूचना मिली। इस पर स्थानीय पुलिस बल मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि उसका साथी शकील, जो एक दिवस पूर्व रात में 8 बजे आया था, दोनों उस रूम में रुके थे। दोनों का कारोबार था, रहने वाले यहीं के थे, शाबाद अफजलगढ़ का और शकील शेरकोट थाना क्षेत्र का। दिल्ली में दोनों वीजा पासपोर्ट बनाने का कार्य करते थे। गाजियाबाद के लोनी में आवास विकास की तरफ से कई गांव की जमीन आवासीय योजना के लिए अधिकृत की थी, जिसका मुआवजा आवास विकास की तरफ से किसानों को दिया गया था। मंडोला समेत 6 गांवों के किसान मंडोला आवास योजना की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ बड़े हुए। मुआवजे के लिए पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनका समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। एक आंदोलन पूरे देश के किसानों का चला 1 साल तक, और मजबूर होकर प्रधानमंत्री को तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लोनी के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये 5 साल से चल रहा है, 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, और सरकार को बहुत सारे मांग पत्र दे चुके। मैंने चिट्ठियां लिखी, पार्लियामेंट में भी इनका मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये एक जायज मांग को लेकर बैठे हुए हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक इनको मुआवजा दिया जाए, वो कानून का पालन किया जाए, ये तो मेरे ख्याल से कोई नाजायज बात नहीं है। पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा का ढोंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने विरोध किया तो इन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, पुलिस वाले इनके घर पर जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। किसानों का विश्वास खो चुकी है सरकार, नौजवानों का विश्वास खो चुकी है सरकार, माताओं बहनों का विश्वास खो चुकी है, हर वर्ग आज की तारीख में दुखी है आदित्यनाथ जी की सरकार से। कासगंज में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। वहीं युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर बालू के अवैध खनन से ओवरलोड था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
ये एक ट्रैक्टर जा रहा था और पीछे से ये भी आ रहे थे, चरण सिंह नाम है, ये गढ़िया के रहने वाले हैं। तो ये आलीपुर गांव के पास में एक्सीडेंट हुआ है जैसा आलीपुर, और जैसा देखने से लग रहा है कि गाड़ी जो है मोटरसाइकिल पीछे से टक्कर मारी गई है, गिरे हैं और जिनकी डेथ हो गई है। तो इसको देख लिया है, परिवार वालों से बातचीत हो गई है और इनको बता दिया गया है कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इनको 5 लाख रुपये की सहायता हम लोग तत्काल प्रस्ताव करा के दिलवा देंगे। कासगंज में अमापुर के बनुपुरा गांव में पशुओं में खुरपका मुंहपका की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसमें कई दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं दर्जन भर से ज्यादा पशु बीमार हैं। आपको बता दें कि पशुओं की इन मौतों के बाद भी पशुपालन विभाग बेसुध है। खबरों की माने तो 2 साल से यहां पशुओं का टीकाकरण नहीं हुआ है, जिस वजह से पशुपालक परेशान है और निजी चिकित्सकों से पशुओं का उपचार कराने के लिए विवश है। वहीं ग्रामीणों ने अब पशुपालन विभाग से गाँव में कैंप लगाकर पशुओं की जाँच कराने की मांग की है। ये मवेशी हमारी परेशान है, मुंह पक गए हैं इनके, कोई देखने आ नहीं रहा है, दवा दिला रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर से कोई फायदा मिल नहीं रहा है। कौन सा गांव है? गांव कौन सा? बनुपुरा। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये की दवा दिलवा दी है। सरकारी डॉक्टर को सूचना दी? नहीं आया। कानपुर देहात के संदरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोवा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना के तहत सोखता गड्ढे का निर्माण किया जा रहा था। ठेकेदार की तरफ से घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। जैसे इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर ठेकेदार से कहा तो ठेकेदार तुरंत ही बने हुए मसाले पर ऊपर से सीमेंट डालते नजर आए, जिसके बाद हमारे कानपुर देहात संवाददाता सागर भारती ने ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र यादव से बात की और मामले से अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत ही निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा और निर्माण कार्य को रोक दिया गया। लेकिन फिर भी ठेकेदार अफरोज की तरफ से चोरी से काम शुरू किया गया। जैसे इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने फिर विरोध किया, जिससे ठेकेदार बिना काम कराए ही लौट गए। वहीं पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप से की गई तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी संदलपुर को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।